नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू नई सुबह मैथ्स ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मैं हूं अनम तारिक। आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच का रिलेशन समझेंगे और इनकी टर्म्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको कहते हैं फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल 5 × 4 इज इक्वल टू 20। 5 और 4 फैक्टर्स हैं और 20 प्रोडक्ट है। इसका आंसर 20 कैसे आया? आपको 4 का टेबल 5 तक पढ़ना है या फिर 5 का टेबल 4 तक पढ़ना है? तो जो आंसर आएगा वो होगा प्रोडक्ट। डिवीजन, अब हम डिवीजन की टर्म्स को देखते हैं। डिवीजन में जिस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है वो होता है डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। और इसको जिस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। 5 × 4 इज इक्वल टू 20। इसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि किस तरह से डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोडक्ट है 20 वो डिवीजन में डिविडेंड है। 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ हम 5 या 4 ले लेते हैं एज अ डिवाइजर, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू। डिवीजन में कोशेंट वो होगा जो कि मल्टीप्लिकेशन का एक फैक्टर होगा, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ 5 कोशेंट है। यही तो है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम समझते हैं कि हम कब डिवाइड करते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए लुक एट दिस एग्जांपल। हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स में 3 पेंसिल्स हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। हमें ये पता है कि हर एक बॉक्स में 3 पेंसिल्स हैं और हमारे पास बॉक्सेस हैं 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स को ढूंढना है। हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद 3, क्योंकि हर एक बॉक्स में 3 पेंसिल्स हैं। 5 × 3 = इसके लिए हम 3 का टेबल 5 तक या 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 5 × 3 = 15। लुक एट द अनदर एग्जांपल। अगर हमारे पास 15 पेंसिल्स हैं और 5 बॉक्सेस हैं, हमने हर एक बॉक्स में इक्वल पेंसिल्स रखनी हैं। तो ये जानने के लिए कि हर एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होनी चाहिए, तो हम करेंगे डिवाइड। इसमें हमारा डिविडेंड है 15 और डिवाइजर है 5। पेंसिल्स 15 हैं और बॉक्सेस 5 हैं, इसलिए अब इनको हम डिवाइड करेंगे। 15 / 5 = इसके आंसर को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 15 आता है। तो 5
3 15। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है 3 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।